नमस्कार, आप देख रहे हैं किन्नी टाइम्स। तो नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। आतंकियों ने बदली रणनीति, अल्पसंख्यकों, निहत्तों और नेताओं को बना रहे निशाना, इस साल 28 की ले चुके जान। उत्तर प्रदेश लखीमपुर खीरी, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के घर पर पुलिस ने चिपकाया नोटिस, बेटे आशीष को कल सुबह 10 बजे बुलाया। तालिबान के लिए दुनिया से पंगा लेगा पाकिस्तान, कहा दबाव में नहीं आएंगे हम, करते रहेंगे मदद। मुंबई, आर्यन खान समेत 8 को 14 दिन की न्यायिक हिरासत, कोर्ट ने कहा एनसीबी को मिला पूरा मौका। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में गुरुद्वारे में तोड़फोड़ पर बोला भारत, ये हमारे लिए ही नहीं बल्कि दुनिया के लिए भी चिंता का विषय। पूर्व सीएम येदियुरप्पा के कार्यकाल में सिंचाई विभाग में हुआ घोटाला, आयकर विभाग ने बेंगलुरु में कई जगहों पर की छापेमारी। रेलवे ने कोविड गाइडलाइंस को 6 महीने के लिए बढ़ाया, मास्क नहीं पहनने पर 500 रुपए तक जुर्माना। सुप्रीम कोर्ट ने एनपीए पर सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका की खारिज, कहा ये नीतिगत मामला है, आरबीआई के पास जाए। दिल्ली छोड़कर बिहार के ध्यानार्थ, 50 छात्राओं को ब्लैकमेल करने वाला आईआईटी का छात्र गिरफ्तार। लखीमपुर खीरी में किसानों पर गाड़ी चढ़ाने के मामले में यूपी पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, साथ ही केंद्रीय मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा को शुक्रवार सुबह तलब भी किया गया है। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए किन्नी टाइम्स के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।